स्वागत है आपका। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में युवक युवती पर कार चढ़ाने से युवती की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद घायल युवक युवती को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवती की तो मौत हो गई। और SHO दलबीर सिंह का कहना है कि एक निजी होटल में मंगेश अरोड़ा, राजकुमार जाट, उमा सुथार और एक अन्य युवती के साथ पार्टी कर रहे थे। उसके बाद चारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसके बाद मंगेश अरोड़ा और एक युवती कार में बैठकर पैदल चल रहे राजकुमार जाट और उमा सुथार पर दोनों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उमा सुथार की हॉस्पिटल में मौत हो गई। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। फिलहाल आरोपी फरार है। बेसबॉल का बल्ला निकाल करके जो गाड़ी में वो जाना चाह रहे थे, मृतका और उसका दोस्त, उस पर अटैक किया। उसके बाद जैसे ही उनसे कुछ नहीं हुआ, उसका डंडा लेके फेंक दिया बीच बचाव करने वाले लोगों ने, वापस अपनी गाड़ी में अंदर गया मंगेश अरोड़ा, जो कि गाड़ी बड़ी थी एंडेवर, उससे उसने एकदम सामने से जबरदस्त टक्कर से दोनों को उड़ा दिया, जिसमें जो मृतका है उसकी फोटिस जाते ही डेड बॉडी कर दिया उसको, और जो साथ में रामकरण जो परिवादी है मुकदमे का, उसके चोटें हैं जगह जगह। परिवादी ये बता रहा है कि कमेंट पास करने को लेकर के बातचीत हुई है, मेरी जो साथ में लेडी थी उसको वो गलत निगाह से देख रहा था, उसको कमेंट पास किए, जो FIR दी है, जिस बात को लेकर हमारे दोनों के बीच में बहसबाजी हुई है, वो शराब पिया हुआ था रात में, उसने उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में तैश में आकर के ये कार्रवाई।